आज भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और आतंकियों के करीब 7 शिविर ध्वस्त कर दिए। इस दौरान करीब 38 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, साथ ही 2 फौजियों के मारे जाने की बात भी सामने आ रही है। भारत ने सेना की इस सर्जिकल स्ट्राइक को कामयाब बताया है। ऐसे में यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल शब्द मेडिकल के सर्जरी शब्द से आया है। सर्जिकल स्ट्राइक में छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक में सरप्राइज होता है, यानी टारगेट पर अचानक हमला कर दिया जाता है ताकि सामने वाले को जवाब देने का मौका ही ना मिले। इसमें किसी खास इलाके में पहले से तय विशेष ठिकाने पर हमला करके उसे नष्ट किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक में पहले खास तरह से अटैक को डिजाइन किया जाता है, फिर हमले को अंजाम दिया जाता है। सेना की इस कार्रवाई में जहां ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, नुकसान सिर्फ वही होता है, उसके आसपास सिविलियन इलाके को कोई हानि नहीं पहुंचती है। वैसे ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन की तैयारी भारत पहले से करता रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का खुलेआम ऐलान हुआ है। वैसे अब तक पाकिस्तान भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को खारिज कर रहा है, हालांकि उन्होंने 2 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। लेकिन भारतीय सेना का दावा अगर पक्का है तो पाकिस्तान क्या करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।